सर एक सवाल सर मेरा ये भी है सर, ऑब्वियसली सर आपको गाहे बगाहे सर हमने जहमत दी फाउंडेशन में सर ये रिकॉर्ड करना पड़ा सर। सर मैं चाहूँगा कि ये एक कोशिश सर की टीम ने, मैंने मैं सर सबको क्रेडिट दूंगा, वो लोग जो यहाँ मौजूद हैं, कुछ टीम के लोग यहाँ नहीं भी हैं सर। तो सर ये आपको सर ये कैसा लगा, ये ऑर्गेनाइज था ये ऑर्गेनाइज नहीं था? क्योंकि सर ये मैं तो इसे एक बच्चों वाली कोशिश कहूँगा सर, ये एक बिल्कुल चाइल्डिश अटैम्प्ट थी। नहीं, इसको चाइल्डिश अटैम्प्ट कहना तो बहुत ज़्यादती हो जाएगी, फाउंडेशन के साथ भी और उसके ऑर्गेनाइजर्स के साथ भी। ये फाउंडेशन अभी कल की बात है जब वजूद में आई, इसका इफ्तिताही इजलास एम्बेसडर होटल में हुआ था। और एक ज़माने में आप तो इसके स्पॉन्सर थे ही थे, लेकिन इसकी रूह रवां अली अब्बास साहब भी थे और उनकी बड़ी कोशिशें थी। उनकी खिदमात को एक्नॉलेज ज़रूर किया जाना चाहिए कि उन्होंने बहुत मेहनत की थी। तो जितने कम अरसे में ये फाउंडेशन ऑर्गेनाइज हुई और ग्रो कर गई, वो वाकई हैरान कौन है। उसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्केल, मैं अक्सर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो प्रोफेशन को प्रमोट करते हैं, वहाँ जब भी लेक्चर्स के लिए गया, वहाँ अक्सर बेशतर मैं इसको कोट किया करता हूँ कि कासम अली शाह फाउंडेशन में एक जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ वो बहुत कमाल का है और बड़ा सक्सेसफुल हो गया, कि वहाँ सैलरीड लोग कम हैं, जितने वर्कर हैं वो पार्टनर हैं, उनको प्रॉफिट में शेयर मिलता है। और ये स्कीम मैंने कासम अली शाह में फाउंडेशन में कामयाब होती देखी है। ये एक अच्छी टेक्निक आपने, और उसी की वजह से आपकी ग्रोथ हैरान कुन है, बहुत तेज़ी से आप ऊपर गए। तो अल्लाह ताला आपको ये तरक्की मज़ीद अता फरमाए, इसी तरह ग्रो करता रहे अल्लाह आपको।